इस ट्रिक में मैं बताऊंगा कि किस तरह आप अपने वाईफाई की स्पीड को डबल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 MB स्पीड है तो आप 2 MB कर सकते हैं, अगर 2 MB है तो 4 MB कर सकते हैं, यानी कि आपका नेट 2 गुना तेज चलेगा। तो किस चलें देखते हैं कि किस तरह आप अपने मोबाइल पे वाईफाई की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके, और लाइक शेयर करना ना भूलें। देखते हैं कि किस तरह अपने वाईफाई की स्पीड को डबल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वाईफाई को आप अपनी स्पीड को ज़्यादा करने के लिए क्या करना है। तो आपने सबसे पहले अपने जो वाईफाई है उसको ओपन करना है, ये वाला। आप देखिए हमारा वाईफाई ओपन हो गया है। तो इसमें मेरे पास इवो पहले वाला कनेक्टेड है, इवो वाला। तो इसके बाद देखें इसमें चेंजिंग करने के लिए क्या क्या करना है, यानी कि अपने नेट की स्पीड को इसको अपने इससे थोड़ी देर तक दबाना है, अपनी उंगल फिंगर के साथ इसको थोड़ी देर तक दबाना है। दबाने के बाद ये दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक फॉरगेट नेटवर्क है और एक मॉडिफाई नेटवर्क है। तो इसके बाद आपने इस मॉडिफाई नेटवर्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। तो इसके पास शो एडवांस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। तो इसके नीचे आपने जाना है, तो ये देखें DHCP लिख के आया है, इसको आपने इसे चेंज करना है। इस पे आपने क्लिक करके ना DHC पे क्लिक करके ऊपर स्टेटस इस पे क्लिक करना है, और फिर सेव पर क्लिक कर देना है आपने। ये देखें हमारा फिर से दोबारा कनेक्टेड वाईफाई हो रहा है। तो इस तरह वाईफाई हमारा दोबारा कनेक्टेड हो जाएगा। और आपने मुझे बताना है कमेंट में कि हमारा नेट कितना ज़्यादा स्पीड पे चला है या नहीं चला। फिर भी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी है कि कोई मसला आ रहा है तो फिर भी मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। ये सैमसंग का सेट है, इस पे आप आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। হাই এভরিওয়ান, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। আরো ভালো ভালো ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, এই বাটনে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট অবশ্যই করো, এন্ড প্লিজ কিপ ওয়াচিং।